क्या माँ खाली खेला खेल लेते हैं हमारे व्यूअर्स के वास्ते ट्राई नॉट टू लव चैलेंज शहरी हो रही क्या चैलेंज है एक बार एक बार पंद्रह मिनट भी नहीं हुआ शहरी को अभी बैठे नहीं 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 वो कॉल करने में उठे मेरे पापा मुझे डंडे हाँ बस 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 शहरी को टाइम हो गया उठो जल्दी तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और आज है वेनसडे थर्सडे तो आज है वेनसडे की सुबह और अप्रैल 3rd और आज है ज़ैनब का रिजल्ट डे आज है ज़ैनब का रिजल्ट डे तो ये है ज़ैनब आज तैयार ऑरेंज मिनी का टी शर्ट पहने हुए और बेल बॉटम जीन्स पहने हुए एंड न्यू शूज तो माशाल्लाह ये है लुक मेरी बच्ची का और ये अभी सो के उठा है बच्चा तो आज हुई है हमारी नींद ओनली 2 hours की क्योंकि हम सोए थे 6 बजे और 8 बजे उठ गए क्योंकि जाना है मेरे रिजल्ट को तो चलिए चलते हैं रिजल्ट के लिए और पता नहीं इसका रिजल्ट क्या है तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो चलते हैं अस्सलाम वालेकुम हेलो भैया कैसे हो सारा ज़ैनब उठो जल्दी उठो ज़ैन ज़ैन यूसुफ़ ज़ारा तैमूर उठो जल्दी भी नहीं जल्दी उठो माशाल्लाह बच्ची का रिजल्ट बहुत अच्छा था वो लाई थी सब में अबव 90 माशाल्लाह अल्लाह मुबारक करे मेरे बच्चों को और आते ही घर वो सो गई थी और ये देखिए इसके बाद हो गया था इफ्तार टाइम और अब हम रेडी हो गए फाइनली हमारी इफ्तारी सब हो गई थी और थोड़ा बहुत रेस्ट भी ले लिया था मैंने और बच्चे सब बहुत खेल रहे थे और अब फाइनली ये देखे हम लोग रेडी हैं जाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ ऑलरेडी नीचे चला गया है जल्दी आओ फिर देखे हमारा बैगेज भी रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ पर रेडी है ज़रा ज़ैनब तो चलिए चलते हैं तरावी की नमाज को और ताखरात जल्दी आओ अम्मी मैं कलेक्टर कर लूं अल्लाह जरा खड़ गई जल्दी आओ بإذن ربهم من كل
घर आ गए और अभी हो गए 3:50। पर नहीं बराबर टाइम पाए ना जी लालक जने बराबर टाइम पाए ना क्या टाइम को निकले ऑफिस से 3:30 निकले चलो 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 अंदर चलो सुंदरी आओ अस्सलामुअलैकुम चार को पांच लाजे हैं यहाँ पे फाइनली हम लोग घर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और आज फाइनली हमें पिकअप करने मेरे शोहर आ गए थे। कल की तरह हमें आके गेट के पास वेट करना नहीं पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग टाइम पे आ गए आज। और जो है आज का सबक 12:25 आज का सबक 12:25 इलाही उर्दू ख़त्म हुआ और 12:26 हामिद शुरू 12:25 ख़त्म 26 पारा स्टार्ट हो गया। सूरा 46 खत्म हो गया नहीं फिनिश हुआ। आयत नंबर 35 नो रुकू सूरा फिनिश आयत नंबर 35 सूरा फिनिश हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 26 पारा तक पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है अभी चार जूस बाकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। तरावी की नमाज़ का रूटीन इस तरह है कि ईशान की नमाज़ होती है 10:30 को, ईशान की नमाज ख़त्म होती है 10:45 को और 10:45 से 11:15 तक होता है बयान यानी तफसीर जो कुरान पढ़ा जाएगा उसके बारे में एक ब्रीफ ऐसे ही एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। तो हाफ एन आवर होता है वो। उसके बाद 11:15 से लेके 1:00 तक होती है इनफ़रादी इबादत। तो इसके बीच में हमारा ज़ारा और ज़ैनब का हो जाता है एक छोटा सा ब्रेक जो मैं लेके जाती हूँ चिप्स चॉकलेट्स। वो एक 15 मिनट्स का ब्रेक चलता है बच्चों का कुरान पढ़ने के बाद। उसके बाद 1 बजे शुरू हो जाती है तरावी। तो होती है 4 रकात तरावी और वो भी बहुत लॉन्ग 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 सजदे लॉन्ग रुकू लॉन्ग सूरे हाँ और बहुत लॉन्ग किए जाते हैं सजदे रुकू ताकि दुआ कर सकें हम। तो यही मौका है जब हमें फ़लस्तीन के लिए गाज़ा के लिए दुआ करने का बहुत बेहतरीन मौका मिल रहा है तरावी की क्या बोलते हैं जागने ताखरात की नमाजों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन मौका मिला है। तो इसी चांस को हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस चांस का अच्छा फ़ायदा उठाया है। तो इसके बाद 4 रकात जैसे ही फिनिश होते हैं बहुत लॉन्ग 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 रकात के बाद 4 रकात के बाद हमारा होता है मस्जिद की तरफ से ब्रेक जहाँ पे दी जाती है चाय और बिस्किट। और उस बिस्किट के साथ हम लोग भी यहाँ पे एक्स्ट्रा बिस्किट लेके जाते हैं वो भी खाते हैं वो भी ठोसते हैं अच्छा से खाते हैं। और वो ब्रेक होता है 15 to 20 minutes उसके बाद फिर और 4 रकात पढ़ी जाती है तरावी की नमाज। और उसके बाद होती है 3 रकात वित्र। और उसके बाद हम लोग भाग के आ जाते हैं जल्दी जल्दी नीचे क्योंकि ऊपर हो जाता है बहुत रश। तो अल्हम्दुलिल्लाह नीचे आने के बाद मेरे शौहर वहाँ पर वेट करते रहते हैं या कभी नहीं करते कुछ भी हो जाता है। जैसे हम कल अकेले आए आज दुकेले आ गए तो इस तरीके से हम घर पहुंच जाते हैं और नेक्स्ट होती है हमारी सबक और फिर हम भागते हैं सहरी करने के लिए। ये देखिए इसी बातचीत में हो गया यहाँ पे 4:20 और हम चलेंगे सहरी के लिए। और जैसा कि आज बच्ची का रिजल्ट भी था ज़ैनब का तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बच्ची ने बहुत अच्छे मार्क्स दिए सब में। 90s में आते हैं बच्ची 96 किसी में 98 94 92 ऐसे हैं सब में 90s में है। तो माशाल्लाह अल्लाह मुबारक करे मेरी बच्ची को माशाल्लाह। और आज है ज़ैनब का पैदाइश का दिन बर्थडे हाँ, आज है 4 अप्रैल और ज़ैनब के पैदाइश का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वो एक्चुअली क्या था तो रिजल्ट आपको अप्रैल 3rd को था सो लेकिन अब 12 बजे हो गए तो अप्रैल 4th है। हां 4th अप्रैल ज़ैनु का बर्थडे है तो आज उसका पैदाइश का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करें मेरे बच्ची को हाफिज़ कुरान बनाने की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हाफिज़ कुरान दीन और दुनिया का इल्म हासिल करें मेरे बच्चे माशाल्लाह। तो बस यही दुआ है आज के दिन ओके इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम चलो व्लॉग एंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।